गुड इवनिंग एवरीवन। तो आदित्य स्कूल से आने के बाद मुझे बहुत जिद कर रहा है कि मम्मी बैडमिंटन खेलना है। आई एम वॉचिंग द फैमिली मैन जो या आई एम वेटिंग फॉर यू ही सिंग वेट फॉर मी। तो द फैमिली मैन ऑन अमेज़ॉन प्राइम काफ़ी अच्छी सीरीज़ है। लास्ट एपिसोड बचा है लेकिन वो मेरे को देखने नहीं दे रहा है, तो थोड़ा सा ही देखा है मैंने एंड उसके बाद अभी ये ज़िद कर रहा है इसलिए मैं नीचे जा रही हूँ। तेरा आदित्य जो बैट लेके रेडी है एंड ये जूते पहन रहा है, चलो। एंड क्योंकि अभी खेलने के बाद पसीना आने वाला है तो आई मेड अ बन। भैया आए थे जो हमारा टूटा हुआ गैस स्टोव है ना, उसको लेके गए हैं। हाँ, रिपेयर करवा दे रही हूँ फ़िलहाल मैं, क्योंकि 4 बर्नर स्टील का मैं लूँगी फ्यूचर में। अगर इससे कुछ प्रॉब्लम आता है या फ्लेम में कुछ प्रॉब्लम होती है तो आई विल टेक अनदर वन। फ़िलहाल के लिए उसको रिपेयर के लिए भेज दिया, 3-4 दिन लगेंगे। एनीथिंग इज़ फाइन फॉर मी। ओके मैं सो लेट्स प्ले सम बैडमिंटन नाउ। नेक्स्ट डे मॉर्निंग की ब्रेकफास्ट प्रिपरेशन चल रही है, जहाँ पे मैं ये जो उड़द दाल है उसको पूरा कड़ा करके पीस के रख लेती हूँ और उससे मैं इडली, डोसा या मेदू वड़ा तीनों बना लेती हूँ। तो आपको पीस के पतला करके नहीं रखना है, गाढ़ा पीस के रखना है इसको, एकदम जैसे वड़े के लिए पीसते हैं ना। एंड उसके बाद आप बाकी चीज़ें इसमें मिक्स करके जो चाहिए वो बना सकते हैं। अभी बच्चों सबका डिनर हो चुका है। हम लोग जो है रात में मैं और मेरे हस्बैंड टिफ़िन्स खा रहे हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा ये पीस के रख देती हूँ। इडली, डोसा कुछ भी बनाना है बन जाता है। तो अभी मैं दाल को पूरा पीस लूँगी एंड अगर आपको डोसा बनाना है तो तुरंत आप जो है उसमें जो राइस का पाउडर होता है, राइस फ्लावर जो होता है वो मिक्स करके तुरंत डोसे डाल सकते हैं एंड वो एज़ इट इज़ क्रिस्पी आएंगे। जैसे आप पूरा चावल वावल भिगो के वो सारी प्रोसेस करते हैं वैसे ही आएंगे सेम। तो मेरे पास राइस फ्लावर है जो मैं इसमें मिला दूँगी, थोड़ा सा इसमें से बैटर निकाल के। दिस इज़ लंच टाइम जहाँ पे मैंने बनाई है फ़िश करी एंड ये मैं अपने ससुराल से लेके आई थी फ़िश और अभी बनाई है एंड थोड़े बहुत पीसेस और भी है। फ़िश करी एक ऐसी करी है जो कितने दिन भी आप डीप फ्रिज में रखो एंड जब मन करता है तब बनाते रहो तो अच्छा ही रहता है, फ्रेश ख़राब भी नहीं होता है फ़िश। एंड आदित्य ने जो है इस जूसर को निकाला था एंड जो ऑरेंजेस पड़े उसका जूस निकाला। मैं बोल रही थी उसको डायरेक्ट खा लो लेकिन हमेशा वो जूसर निकाल देता है एंड उसने पहले इसको पूछा तो इसने बोला नहीं चाहिए, बाद में जब वो पीने लग गया तब अभिषेक ने बोला चाहिए एंड उसने तब तक पूरा जो है घटक लिया था एंड ये सीधा फिर किचन में आया और अपने लिए जूस निकाल रहा था। सो दैट वाज अ वेरी क्यूट थिंग विच ही वाज डूइंग, बट हमको लगा अरे बेचारा आके खुद अकेले निकाल रहा है एंड उसने कोशिश की एंड थोड़ा सा जूस निकला विच इज़ एक्चुअली कमेंडेबल। सो उसने पूरी कोशिश की, उसने उसमें संतरे वंतरे कुछ भी नहीं डाले लेकिन जो था उसी में घुमाया, जो उसमें बचा हुआ था। ऊपर आदित्य ने कचरा निकाल के रखा हुआ है, देखो इसको एक घूंट भी नहीं, आधा घूंट होगा शायद, निकाला उसने। एंड अभी लंच टाइम हो गया है तो मैं और मेरे हस्बैंड जो है लंच कर लेंगे एंड उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। चाय बना रही हूँ मैं क्योंकि एक सेकेंड, क्योंकि मेरे हस्बैंड के ऑफिस के कलीग आए हुए हैं तो हमने ऑलरेडी कॉफ़ी पी चुकी थी लेकिन अभी चाय बना रही हूँ दोबारा। मैंने सोचा ही था थोड़ी देर पहले कि पीते हैं, दोबारा मन कर रहा था, इतने में इनके ऑफिस के कलीग आए तो रख दी अभी मैंने। एंड इन्होंने जो है, मेरे को ये वाली स्वीट बहुत ज़्यादा पसंद है, मैसूर पाक है ये, देखो इसमें बालाजी जो स्वीट शॉप होती है ना उसमें, मुझे काफ़ी टेस्टी लग रही है। तो इन्होंने मंगाने से पहले वो चाहिए क्या बोला, मैंने बोला हाँ चाहिए क्योंकि उसी एरिया में जो है कोई जा रहे थे तो हमने मंगवा लिया ये। सो एक खाते हैं, टेस्ट करते हैं कैसा है। अमेजिंग लजीज। और आज दोपहर की जो फ़िश करी थी वो भी बेशुमार बहुत ही यमी टेस्टी थी। और ऐसी चीज़ों के सामने कंट्रोल नहीं हो पाता है। ये वाला जो स्वीट है ना, एक खाने के बाद मन नहीं भरता है, लगता है उसके बाद और दो और खा लूँ। आई एम हैविंग जस्ट वन नाउ। हैदराबाद में भी अभी थोड़ी सर्दी चल रही है लेकिन यहाँ पे हालात देख के पता लग रहा होगा कोई सर्दी का नामो निशान नहीं है। पता नहीं ये एरिया ऐसा क्यों है, आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं पली बड़ी पूरा नॉर्थ में हूँ एंड वहाँ दिल्ली में तो ऐसे इतने दिन होते थे कि मैं कॉलेज जाने के लिए रेडी होती थी, कपड़े वपड़े पहन के पूरा स्वेटर वेटर डाल के, एंड इतनी ठंडी होती थी कि दांत जो है ऐसे हो जाते थे और मैं वापस आ जाती, भैया आज की ठंडी सही नहीं आई, इतनी तड़ाके वाली। मालूम ही होगा आप लोगों को कि दिल्ली की सर्दी कैसी होती है एंड यहाँ पे सर्दी इतने सालों से मुझे देखने को मिली ही नहीं है। सर्दी ओनली तब लगती है जब एसी ज़्यादा लग जाए ना, तब सर्दी लगती है रात के टाइम पे। चाय बन चुकी है, कप्स में डाल के दे देते हैं। captured me. So maybe, huh? Okay, don't shoot me. No phones, please. Keep it aside. Hello. Keep it aside. घर में शाम के टाइम पे अगर रहते हैं तो बच्चों को फ़ोन से छुड़वाना बहुत मुश्किल है। तो मैं बहुत सीरियस हो जाती हूँ इस मामले में। अगर बार बार फ़ोन छूते, मेरा तो बिल्कुल छूते नहीं है। इसके पापा का, ओके, इनके पापा का यह है, फ़ोन पकड़ के सारे जितने भी गेम्स होते हैं डाउनलोड कर देते हैं। मैं अनइंस्टॉल करती रहती हूँ एंड फिर लेके करते रहते हैं। तो एंजॉय करते टी। एंड देखो इतनी देर में पसीना आ चुका है एंड इसलिए मैंने जो है AC चलाया, वरना मुझसे नहीं सही जाती ये गर्मी। एंड हाँ, कल मैं आपको बताया कि नहीं बताया, जो फैमिली मैन सीरीज़ है लास्ट वाली बची थी वो भी मैंने ख़त्म कर दी पूरा। एंड ये फैमिली मैन देखने के बाद सबको यही याद आएगा कि दिल्ली का पोल्यूशन एंड द फैमिली मैन इज़ रिलेटिंग अ लॉट, है ना। सो अभी दिल्ली में इतना पोल्यूशन है, लोग बहुत दिक्कतें फेस कर रहे हैं। बाहर जाते ही हेलोइन मेकअप हो जाता है ऑटोमेटिक पोल्यूशन की वजह से। जोक्स अपार्ट, बट इट इज़ वेरी हज़ार्डियस एक्चुअली। तो कुछ करना ज़रूरी है, इसलिए ग्रीनरी बढ़ाओ, पोल्यूशन कम फैलाओ। दैट्स बेटर। जो सिटी अभी तक ग्रीनरी में है, सेफ़ है, उसको ऐसे ही बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ऐसा जो पोल्यूशन होता है ना, वो जनरेशन तक एफेक्ट हो जाता है। वो कितना हार्मफुल है किसी को मालूम नहीं है, लेकिन प्रेग्नेंट लेडीज़ हो गई या आगे आने वाले जो जनरेशन होगी उनके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है ऐसे पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहना।